बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद यकूब खान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर। और आज़ाद कश्मीर की अगर बात करें तो इंतखाबी जो सिलसिला है वहाँ इंतखाबात आने जा रहे हैं और उसकी तैयारियाँ जोरों शोर से शुरू हैं। इंतखाबी जो फहरिस्तें हैं वहाँ जो वोटर लिस्टें हैं उनका अमल भी जारी है। और उसके साथ साथ अगर बात करें आवाम की, आवाम के अंदर कौन सी जमात ज़्यादा मकबूल होती हुई नज़र आ रही है, इस पर भी बात करेंगे। और शजरकारी के हवाले से भी हम जायज़ा लेंगे कि शजरकारी का इफ्तिताह कर दिया गया है। बिलियन ट्री मनसूबे के हवाले से आज़ाद कश्मीर में क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? आज़ाद कश्मीर बड़ी खूबसूरत धरती है, दरख्तों की वजह से उसकी खूबसूरती है, उसकी खूबसूरती को बरकरार भी दरख्तों की वजह से रखा जा सकता है। आज बात करेंगे, हमारे स्टूडियो में ज्वाइन किया है सरदार अतीक सखावत साहब जो मरकजी रहनुमा हैं पीटीआई आज़ाद कश्मीर के, और उनके साथ तशरीफ रखती हैं दोहा जुबैर। आप तजियाकार हैं, आपसे भी पूछेंगे कि आज़ाद कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल है आप गहरी नज़र भी रखती हैं। अतीक सखावत साहब क्या कहेंगे कि आज़ाद कश्मीर में जो सियासी अमल में उतर रही हैं जमातें, क्या देख रहे हैं, क्या नतज देख रहे हैं? इंतबी फहरिस्तें हैं वो भी तैयारी हो रही है, क्या सोच रखते हैं आप? बहुत शुक्रिया राशिद साहब जी। इंशाल्लाह इंतखाबात का जो अमल है वो बहुत तेज़ी से सब शुरू है। जो बुनियादी तौर पर जो काम काज है, इंतखाबी फहरिस्तें हैं, उसकी तैयारी का अमल जो है वो बड़े ज़ोर शोर से जारी है। उसको टाइम भी थोड़ा एक्सटेंड किया गया ताकि मैक्सिमम लोगों को लूप में लिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वोटर का जो है वो इंदराज किया जा सके। पहले मरहले पर तो ये तैयारियाँ उसकी जारी हैं। जहाँ तक सियासी जमातों का ताल्लुक है तो सियासी जमातें भी जो हैं वो लंगोट कस के इंतखाबी मार्के के लिए तैयार हो रही हैं। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिससे मेरा ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान में एक हुकूमत है और जो पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीरियों के लिए जो कुछ किया गया है, सबसे पहले तो मैं कहूंगा जिस तरह इमरान खान ने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा बैनुल अक्वामी दुनिया के सामने, ठीक है, और इंडिया को डिफेंसिव पोजिशन में कर दिया है मसला कश्मीर के ऊपर, इस पर कश्मीरियों को इमरान खान की जात से एक बड़ी उम्मीद जो है वो लगी है। ठीक है, खा वो तरीके इंसाफ से न भी हो तब भी उन्हें इमरान खान से खास तरह का लगाव पैदा होगा। और दूसरी बात कि 5 फरवरी के प्रोग्राम के अंदर कोटली में जब इमरान खान साहब ने वो सारे शकूक व शुभाव जो थे, जो कुछ सियासी मुखालिफीन ये कहते थे कि सौदा हो गया कश्मीर का और ये इस तरह का प्रोपोगेट कर रहे थे कि इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है वो डिफेंसिव पोजीशन में जाए, बैकफुट पे जाए, तो बड़ा टाइमली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने 5 फरवरी के प्रोग्राम के अंदर लोगों को ये बात बताया कि पाकिस्तान का कश्मीर पर कोई एजेंडा नहीं है सवाई इसके के करारदाद अक्वामे मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को इस तस्वीर में राय का हक दिया जाए। और इमरान खान साहब ने यह कहा कि कश्मीरियों के लिए फैसला करने में इंडिया और पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है, कश्मीरियों ने खुद फैसला करना है। इस बात से भी कश्मीरियों को इमरान खान से जो लगाव और उम्मीद जो है वो बढ़ गई है। और तीसरी चीज कि जिस तरह इमरान खान साहब ने कश्मीरियों के लिए बिला तख्सीस सब तमाम कश्मीरियों के लिए हेल्थ कार्ड जब दिया तो कश्मीरियों को एक और हौसला हुआ कि इमरान खान साहब जब कश्मीर और कश्मीरियों की बात आती है तो वो किसी उस तरह के डिसिप्लिन के अंदर भी नहीं रहते जिस तरह पाकिस्तान के अंदर तो खानदानों को चुना गया कि किन को दिया जाएगा, लेकिन जब कश्मीर की बात आई तो सब कश्मीरियों के लिए जो है वो उसको कर दिया गया। तो यूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत बेहतर पोजिशन में है, जबकि पाकिस्तान में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है और हम रिसेंट इलेक्शन को अगर हम देखें तो जो हुकूमत पाकिस्तान में होती है इसका ही असर पड़ता है और पाकिस्तान के अंदर भी वो गवर्नमेंट बनती है। रिसेंटली 2 गवर्नमेंट्स देखें, इससे पेश पे मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में, आजाद कश्मीर में भी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई, उससे पेश पर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में, तो आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई। सो उसी तरफ से अगर आप देखें तो सारे एडवांटेज से हट के तो ये जो मोमेंटम है ये भी हमारे हक में है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मरतबा हुकूमत बनाने। बिल्कुल सही है। क्या कहेंगे आप के जो सियासी सूरतेहाल आप देख रही हैं आजाद कश्मीर के अंदर, मुख्तलिफ सियासी जमातें मुतारक नजर आती हैं और हुक्मरान जमात की अगर बात करें तो हुक्मरान जमात तो खासी जो है ना वो मुतारक भी नजर आती है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस देखें, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के जो साबक वहां के वज़ीर आज़म सरदार सिकंदर अयाद खान ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है, फायदा किसको होगा उनके जाने से और नुकसान किसका होगा?
बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मधु करने के लिए। इस वक्त आपको मालूम है कि सियासी मैदान सज चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोस्ट फेवरेट जमात के तौर पे वहां पे उभर के सामने आ रही है। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि अब जो न्यू रजिस्टर्ड हमारे वोटर्स हैं जिनके अब NICs बने हैं और जो खासतौर पर यूथ है उसका बहुत ज्यादा रुझान है इमरान खान साहब की शख्सियत की तरफ और लोग उनको न सिर्फ अपने लिए बेहतर समझते हैं बल्कि बाकी की जितनी भी जमातें आप ये जानते 35 सालों से एक की बारी और दूसरे की बारी जिसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस PMLN और PP शामिल रही जो इख्तदार संभालती रही वहां पर, लेकिन उस तरह से वहां पे अवाम को उनके मसाइल को हल करने में और नौजवानों को तसल्ली बख्श उनका मुस्तकबिल दिखाने में नाकाम रही हैं। तो इस वक्त वो बहुत बड़ी तादाद है जो कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की तरफ देख रही है। तो जो अब जो ज्वाइनिंग्स के हवाले से आपने बात की जिसमें मोहतरम सरदार सिकंदर साहब का आपने जिक्र किया है जो कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ गए हैं, उन्होंने वहां पे ज्वाइन किया है। मैं समझती हूं कि ये इनका एक अच्छा फैसला यूं है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रियासती जमात है और वहां पर एक आप जानते हैं कि मसला कश्मीर के हवाले से भी उनका एक बड़ा अहम किरदार है जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस लेके चल रही है। तो इनका उस तरफ जाना एक अच्छी मैं समझती हूं कि एक अच्छी पेशरफ्त भी है और सियासी तौर पे अगर फायदे की बात की जाए तो इसका मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ही को फायदा होगा और इसका नुकसान कोई एसएच मैं समझती नहीं हूं कि बाकी सियासी जमातों को होगा। हाँ अलबत्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस दोबारा से आप जिसको कहते हैं कि एक अच्छी मजबूत पोजीशन की तरफ जरूर जा सकती है कि इस वक्त अगर वहां पे बात की जा रही थी सियासी हलकों में तो वहां पे दो जमातों का एक मजबूत आपको मैदान में नजर आ रहा था कि दो खिलाड़ी बहुत मजबूत हैं जिसमें नून और PTI का मुकाबला था। तो लेकिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी अब क्योंकि इस तरफ आ गई है तो मैं समझती हूँ कि अब जो लोगों को डिसीजन लेने में या मैंडेट जो जब देंगे किसी भी जमात को तो बड़ा एक क्लियर लाइन के साथ होगा कि उन्होंने अपने मुस्तकबिल का फैसला किन जमातों के साथ करना है। बिल्कुल सही है, लेकिन अफीक खावर साहब सिकंदर याद साहब के जाने से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मजबूत होगी, PTI मजबूत होगी या मुस्लिम लीग नॉन कोई उस तरीके से मजबूती की तरफ जाएगी? साहब जिस तरह ये पहले कहा जा रहा था कि आजाद कश्मीर के अंदर भी कोई PDM जो है एक तो PDM के वाले से तो वो कहते हैं हम उस तरह का इताद वहाँ AJK में नहीं करेंगे। हुआ ये कि अगर वो इताद बनाना भी चाहते तो हम ये देखते हैं कि उनको PDM को उस फ्रेमवर्क के अंदर पाकिस्तान में वो सारी कुवतें जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ ठीक है आजाद कश्मीर के अंदर सरदार सिकंदर याद का उनसे टूट कर जाना इस हमारे लिए ये इसलिए ज्यादा फायदेमंद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो मुतवक्को इत्तेहाद था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों के दरमियान उनमें से एक बड़ा फिगर टूट गया है। हमें ये फायदा है कि हमारे खिलाफ बनने वाला इत्तेहाद जो है वो कमजोर हुआ है। मेन बेनिफिशरी जिस तरह मोहतरमा ने फरमाया वो तो जाहिर है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है कि उनके एक बड़े रहनुमा जो उनसे अलग हो गए थे वापस उनके साथ सिकंदर साहब के जाने की वजह से मुस्लिम लीग नून टूटेगी। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के अंदर सरदार सिकंदर हयात खान साहब अपना असर सुख इस्तेमाल करेंगे और आने वाले वक्त के अंदर वो मुस्लिम लीग नून से मजीद मेंबरान असेंबली को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। उसका फायदा हमें होगा कि हमारे खिलाफ बनने वाला इत्तेहाद कमजोर हो रहा है और वो टूट रहा है। लेकिन क्या आप दुआज़बेर साहब क्या कहेंगे कि मुस्लिम लीग नून कमजोर पड़ जाएगी, टूटेगी और सिकंदर साहब बहुत सारे मेंबरान असेंबली वहां के लेके जाएंगे साथ? जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। नून लीग को काफी एक बड़ा आप समझें कि सियासी तौर पे एक डेंट पड़ा है जिसकी वजह से आप तीनों डिविजन्स में आप देखें कि मुस्लिम लीग नून के बड़े जो कदावर शख्सियात हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहती हैं और उनको खासतौर पर PDM के हवाले से जो पाकिस्तान में सिलसिला चल रहा है तो उनकी पै तरवे नाकामियों की वजह से उनको अपना फ्यूचर भी समझ में आ रहा है और लोग बड़े पोलिटिसाइज हैं, कश्मीर के लोग बड़े पोलिटिकली अवेयर हैं। उनको आप ये नहीं कह सकते कि वो हवा का रुख देखते हैं, वो तमाम हकाइक को जानते हैं और समझते हैं और क्योंकि इस तमाम जो सियासी मैदान का जो बुनियाद है वो मसला कश्मीर है तो मसला कश्मीर को हर कश्मीरी अपनी नजर में रखकर फिर अपना सियासी मुस्तकबिल और
किबला वो बयान करता है या दुरुस्त करता है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है कि नून लीग की बड़ी कदावर शख्सियात, खासतौर पर अगर आप पुंछ की भी बात करें, पुंछ से भी काफी लोग नून के टूट के अब वो पीटीआई में आ गए हैं। इसी तरीके से आप मुजफ्फराबाद और मीरपुर की बात करते हैं तो वहां से भी अब बहुत सारी मीटिंग्स चल रही हैं कि जिसमें ये कुछ दिनों के अंदर डिक्लेयर होगा कि कौन कौन तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा। लेकिन अब जी बिल्कुल हमें ब्रेक की तरफ जाना है नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मिलते हैं। दोबारा खुश आमदेद, और ब्रेक से पहले बात हो रही थी आजाद कश्मीर में सियासी जोड़ तोड़ की। सरदार अतीक साहब साहब क्या कहेंगे कि आजाद कश्मीर के जो लोग हैं वो इस इलेक्शन में कितनी दिलचस्पी रखते हैं और उनका क्या कहना है, वो क्या सोच रखते हैं, किस तरफ उनका रुझान ज्यादा है? आप क्या समझते हैं कि कश्मीर के इशू को अगर लेके बात करें तो कश्मीर इशू पे आजाद कश्मीर के नौजवान, आजाद कश्मीर के लोग भी ये दिलचस्पी रखते हैं? ये जो मौजूदा इलेक्शन है, जो आमदा इलेक्शन है, आमदा इलेक्शन में कश्मीरियों का जो दिलचस्पी है उसके दो बड़े मुहर्रकात हैं। अव्वलन तो ये है कि जो माजी की हुकूमत थी उसने लोगों को बुरी तरह मायूस किया। वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर ने खुद, उनका अपना बयान है कि मुझे वफाक ने, मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने भरपूर बजट दिया है। जब वो खुद ये मानते हैं कि भरपूर बजट दिया है, लेकिन कश्मीरी जो अवाम है उनको वो बजट कहीं जमीन पर लगा हुआ नजर नहीं आता, बल्कि वो बजट पूरा मिलने के बाद ये हुआ कि आटा उनको पाकिस्तान से भी 500 रुपया फी मन महंगा मिला। ठीक है। दूसरी चीज है कि जो तामीर और तरक्की के काम काज थे वो सारे उसी तरह पड़े हुए हैं। ठीक है। जो उनके इससे दो साल कबल के जो मंसूबा जात थे उनके ऊपर ठेकेदारों को उन्होंने पैसे नहीं दिए, मगर उन्होंने वो पैसा रोक के अपने अकाउंट्स में रख के तो अभी लोगों को लॉलीपॉप देने के लिए दो दो चार चार लाख रुपए अकाउंट में रख के तो फिर करोड़ों रुपए के मंसूबों के वो टेंडर लगाने लगे हैं ताकि लोगों को ये लॉलीपॉप दिया जाए कि जी मुस्लिम लीग नून ने कोई काम किया है। अब हल्का हल्का घूमने से अगर हमें जो चीज देखने में आई कि अवाम तक किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं पहुंच सका, कोई तब्दीली ना इदारों के अंदर मेरिट कायम हुआ, एनटीएस रखा गया, एनटीएस के 10 नंबर वजीर आजम साहब ने अपने रख दिए, पास रख लिए, और उसके बाद एंड पे यही होता है कि उन 10 नंबरों से हमने ये देखा कि एनटीएस होने के बावजूद उन्हीं के चहेते लोग जो है वो उससे मुस्तफीद हुए। तो यूं आजाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत ने लोगों को बहुत मायूस किया, और मसला कश्मीर के ऊपर भी मौजूदा हुकूमत ने लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की। मैंने जिस तरह पहले बात की कि 5 फरवरी के जनाब इमरान खान साहब के ऐलान से पहले एक कैफियत वज़ीर-ए-आज़म इमरान राजा फारूक हैदर साहब ने कायम कर रखी थी, कभी हम सुन रहे हैं वो कह रहे हैं जी मैं आखिरी वज़ीर-ए-आज़म हूं, कभी वो कुछ कह रहे हैं, कभी वो कुछ कह रहे हैं, लेकिन वो बात वाज हो गई कि वो अपनी नाकामियों को इसके पीछे छुपाना चाहते थे कि मेरे साथ कोई बड़ा जुल्म हो गया। आज बात वाजे हो गई, राजा फारूक हैदर साहब ने खुद तस्लीम किया कि उनको बजट पूरा मिला है। और फिर कश्मीरियों के बारे में इमरान खान साहब का यह मौकफ खुलकर सामने आ गया कि कश्मीर का फैसला कश्मीरी खुद करेंगे, इंडिया एंड पाकिस्तान हैज नो एंटिटी टू डिसाइड अबाउट कश्मीरी, कश्मीरी इस पर सौबे राय के जरिए अपना फैसला करेंगे। ये दो चीजें जो है वो लोगों को कंपेल कर रही है, जिस तरह मैडम ने फरमाया कि नौजवान तबका जो है तो वो इमरान खान को वोट करना चाहता है, वो चाहता है कि ग्राउंड के ऊपर भी उसी तरह तामीर और तरक्की का काम हो और मेरिट हो, और मसला है कश्मीर के ऊपर भी यही जानदार मौकफ जो है, यकीनन कोई इमरान खान का नुमाइंदा ही आजाद कश्मीर के अंदर इमरान खान जैसा मजबूत मौकफ लेकर आगे निकलेगा। अपनी कमजोरियों को मसला कश्मीर के अंदर छुपाकर इस तरह का अभाम पैदा करने की कोशिश इंशाल्लाह नहीं करेगा। लेकिन मैम आप क्या तजिया देंगी कि जो अभाम पैदा किया जा रहा है आजाद कश्मीर की सियासी जमातें मसला कश्मीर को लेकर, माजी की हुकूमतों की अगर हम बात करें कि माजी की हुकूमतों का और मौजूदा हुकूमत का मसला कश्मीर पर मुवाजना करें तो क्या कहेंगी आप?
देखिए वो तो एक बड़ी ही वाजे किस्म का फर्क आपको नजर आता है कि अगर मसला कश्मीर पे इमरान खान साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर इकदामात को देखा जाए तो उसकी मिसाल आपको नहीं मिलती। फॉरेन ऑफिस ने किस तरीके से इस मसले को देखा और इसको आगे लेकर के जा रहे हैं, और माजी की हुकूमतों का तो ये हाल था कि फॉरेन मिनिस्टर्स ही नहीं थे आपके और ये डिपार्टमेंट बहुत देर खामोशी की नजर रहा। तो जहां पर पड़ोसी मुल्क ने अपनी मनमानियां करते रहे कि जिसके आप तनाजुर में अगर ये भी देखते हैं कि जिस तरीके से इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो इंसानी सोज मसाइल और जो वहां पे वाकयात मुसलसल हो रहे हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले बांडी में आपने देखा कि वो कमसुन बच्ची के साथ जिसको ज्यादती का निशाना बनाया गया और जिसके लिए पूरा कश्मीर जो है इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहा है और पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगह पे आपने प्रोटेस्ट देखे हैं, तो ये जो इंसानी सोज मसाइल हैं, और इमरान खान साहब वो पहले लीडर थे कि जिन्होंने दुनिया को ये बात बावर कराई कि आपने 80 लाख लोगों की एक ओपन जेल आपने दुनिया के अंदर मौजूद है, और उसकी तरफ ये जो एक जुमला था कि जो इमरान खान साहब ने अदा किया कि 80 लाख लोगों को आपने एक जेल में रखा हुआ है, तो दुनिया ने उस टर्म को, उस टर्मिनोलॉजी को समझा कि आखिर ये क्या बात की जा रही है, और बहुत सारे मुमालिक में फिर लोगों ने अपने पर्सनल अकाउंट से कश्मीर के हवाले से बात करना शुरू की, जो इससे पहले कभी भी आप देखते हैं कि नहीं होता। और मैं ये समझती हूँ कि मसला कश्मीर को सही मानों में अगर कोई लेकर चला है तो ये मौजूदा हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, और इमरान खान साहब का विजन था कि जो इंसानियत की और ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, तो जाहिर है इंसाफ तकाजे यही है कि एक इंसान आजादी के साथ रहे, अपनी मर्जी के साथ रहे। तो इस वक्त जम्मू कश्मीर और कश्मीर की आवाम का जो मुनासिब और सही तरीके से इस केस को लेकर के चल रहे हैं वो मौजूदा हुकूमत है, और इसी वजह से लोगों को एक बड़ी अच्छी और आस और उम्मीद है, और खास तौर पे नौजवान नस्ल को, खवातीन को, खास तौर पे अगर मैं खवातीन के हवाले से बात करूं तो मेरी कहीं पर जब भी मुलाकात होती है अपनी खवातीन से, कश्मीरी बहनों से, तो उनको ये होता है कि इमरान खान साहब हेल्थ के हवाले से बहुत काम कर रहे हैं, और हम चूंकि दूर दराज इलाकों में रहती हैं हमारी हेल्थ फैसिलिटी जीरो हैं, लेकिन अब हमें ये उम्मीद नजर आ रही है कि इमरान खान साहब जिस तरीके से तमाम लोगों के लिए हेल्थ कार्ड के हवाले से उन्होंने काम किया, और खास तौर पे वो खवातीन जो हमला हैं वो हमेशा जिक्र करती हैं, केपीके का जिक्र करती हैं कि जिस तरीके से वहां पर 100% आप देखें कि हेल्थ कार्ड के हवाले से वहां पर काम किया गया, और वो तमाम खवातीन के जो हमला खवातीन के हवाले से वहां पर एक भरपूर किस्म की वहां पे सहूलियात दी जा रही हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, यही उम्मीद नजर आती है उनको अपने लिए भी, क्योंकि वो दूर दराज इलाके हैं जहां पे रोड्स प्रॉपर नहीं बनी हुई। कश्मीर में आप जाते हैं कुछ ऐसे इलाके हैं कि जहां पर आज भी आपको पैदल चलना पड़ता है, तो वहां से पेशेंट को शहर की तरफ लाना बड़े मसाइल होते हैं। तो मौजूदा हुकूमत से अब खासतौर पर तमाम लोगों की यही उम्मीद है कि वो इसी तरह मसला कश्मीर के साथ साथ जो लोकल इशूज हैं उनको भी उसी तरीके से एड्रेस करेंगे। बिल्कुल सही है, लोकल इश्यूज हैं जिसमें सबसे बड़ा मसला हेल्थ है, हेल्थ मिनिस्टर भी आपके हल्के से हैं। आप क्या समझते हैं कि अस्पतालों के हवाले से तो उमूमन ये राय पाई जाती है लोगों में कि ये रेफर सेंटर बने हुए हैं, आजाद कश्मीर का कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है कि जहां एडमिशन हो, पेशेंट को मुकम्मल देखभाल की जाए और सेहतमंद होकर उसको घर रवाना किया जाए, बल्कि पिंडी इस्लामाबाद की तरफ रवाना किया जाता है। किस हद तक दुरुस्तगी हुई है और किस हद तक जरूरत है? राय साहब, मैं तो सबसे पहले तो अपने डिस्ट्रिक्ट सुदौती के आपको हॉस्पिटल का बताऊं जहां के वजीरे सेहत हैं, ठीक है, और माशाल्लाह पिछले 10 साल से, ठीक है, और जो हमारा अस्पताल है वो 14 साल से उसी तरह मुअल्लक है, अभी तक तामीर हो नहीं गया, अभी तक उसकी जो तामीरात मुकम्मल नहीं हुई है। अलबत्ता सुना है कि अभी इस वक्त उसको व्हाइट सीमेंट करके तो इस दफा को मार्च अप्रैल में ये लॉलीपॉप भी वो देना चाहते हैं कि हमने उस इफ्तिताह कर दी है, ठीक है। लाखों रुपए की डिजाइनिंग के बाद वहां पे हमें एक शेड नुमा बिल्डिंग ही मिली है, हमें प्रॉपरली अस्पताल नहीं बन सका। अब मसला हमारा ये है कि जो हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने लोगों को जो आजाद कश्मीर के अंदर जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो इस हद तक हैं कि लोगों को यहाँ पे इमरजेंसी ट्रीट करके तो उनको गाड़ियों पे बिठा के तो भेज दिया है, ठीक है। कलंदरी का जो अस्पताल है वो प्रैक्टिकली वो रेफर सेंटर है, यहाँ से कोटली जाते हैं और कोटली में हमारे मरीजों को वहाँ के लोग उनके साथ उनको तानाजनी भी करते हैं कि आप लोगों उस लिहाज से आप देखें ना कि ऑक्यूपाइड भी होता है ना, ज्यादा बोझ भी होता है। अब वो बोझ भी है हमारे पास है,
तो हेल्थ के ऊपर तो आजाद कश्मीर के अंदर किसी किस्म की कोई फैसिलिटी लोगों को नहीं मिली है, जिस तरह पहले कहा गया था कि उनको जो फर्स्ट एड या जो ट्रीटमेंट के दौरान जो इब्तदाई तौर पर जो मेडिसिन लाइफ सेविंग मेडिसिन होती हैं वो भी नहीं है। कुत्तों के काटने के इंजेक्शन, सांप के का, पिछले अरसे में आपने सुना होगा पिछली गर्मियों में कोटली के अंदर बड़ी अफवाह हुई सांप के काटने से वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी। और पलंदरी से मैं आपको बताऊं बारहा ऐसा हुआ कि एक बंदे को, एक खातून को डिलीवरी थी, शी वाज इन फैमिली डे, उसकी डिलीवरी के लिए उसको रेफर किया गया कोटली, तो रास्ते में जाते हुए उसकी डेथ हो गई। और रावला पलंदरी अस्पताल में कमी किस चीज की थी, ऑक्सीजन की कमी थी, एक सिलेंडर की कमी थी, और उस कमी की वजह से वो खातून इस तरह जहां भाग हो गई। तो मसला ये है कि ये हुकूमत किसी तरह की फैसिलिटेशन करने में तो कामयाब नाकाम हो गई ना, कि किसी तरह की आवाम को कोई फैसिलिटेट ये नहीं कर सकी। अब की बात, एक चीज जो मैं पिछली चीज को कोट करना चाहूंगा, आपने कहा था कि बहुत से लोग जो मुस्लिम लीग नून से निकल रहे हैं, उसकी एक वजह राशिद साहब ये है कि कश्मीरी चूंकि उनमें, कश्मीरियों में जो पीडीएम का बयानी है, रियासत मुखालफ और फौज मुखालफ, कश्मीरी इस बयानी के साथ चल ही नहीं सकते, लिहाजा मुस्लिम लीग नून के, आप मेरी बात लिख लें, बहुत से लोग आजाद इलेक्शन लड़ेंगे। बिल्कुल सही है, वो मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि कश्मीरी इस बयानी को किसी तौर पर कबूल नहीं करते जो एंटी आर्मी और एंटी स्टेट बयानी है जो पीडीएम के पास। बिल्कुल सही है, लेकिन आप क्या तजिया देंगी कि जो पीडीएम के हवाले से इन्होंने बात की, आजाद कश्मीर में वाकई पीडीएम को उस तरीके से पजीराई मुजफ्फराबाद जलसे में देखने में आया है कि नहीं मिली है, कितना आप इत्तेफाक करेंगे? जी हाँ, ऐसा ही है। देखिए, मैंने आपको कहा कि हर चीज की जो वहाँ बुनियाद है वो मसला कश्मीर से मुंसलिक है, और सबसे पहले लोग ये देखते हैं कि जो हम 72 सालों से कुर्बानियां हमारा खानदान देता चला रहा है, उस पार भी और यहाँ पर भी जो हम वो तकलीफ उठा रहे होते हैं, जाहिर है वो वहाँ तकलीफ में है तो वो तकलीफ हम यहाँ तक के महसूस करते हैं अपने अंदर, और हम जिम्मेदार हैं कि हमने तमाम कश्मीरी मिलकर अपने कश्मीर के मसले को हल करना चाहते हैं। तो जिसकी वजह से पीडीएम के वहां जो उन्होंने एक मौकफ अपनाया था जिसको बड़ी बुरी तरीके से शिकस्त भी हुई है, और ये वो तमाम लोग हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का अगर आप जिक्र करें, वैसे मैं उनको मौलाना कहने से गुरेज करती हूँ, फजलुर रहमान साहब की मैं बात करती हूँ। फजलुर रहमान साहब ने चूंकि आप देखें कि वो कई सालों तक के कश्मीर काउंसिल में बैठने के बावजूद, कमेटी को हेड करने के, चेयर करने के बावजूद, उन्होंने किसी भी तरीके से आप देखते हैं कि कश्मीर के मसले, कश्मीर के वाले से कोई भी किसी भी किस्म का, एक आप मुझे बता दीजिए हिस्ट्री में उठा के कि उन्होंने कश्मीरियों के लिए कोई काम किया हो, कश्मीर कॉज पे काम किया हो। वो अपने लिए खतूत और खतो खताबत तो करते रहे कि उन्होंने पावर में रहना है तो उन्होंने दूसरे ममालिक को खामोशी से खतूत लिखते रहे, लेकिन कभी भी कश्मीरियों के लिए उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। तो जब पीडीएम का हिस्सा फजलुर रहमान साहब होते हैं तो हर कश्मीरी को मालूम है कि ये शख्स भी बराबर का शरीक है उन तमाम जानों के नुकसान में जो वहां पर होती रही और ये शख्स खामोश रहा। तो कश्मीरियों के अंदर एक नफरत पाई जाती है इस हवाले से, और उसका इजहार वो खुलकर करते भी हैं, और हम जो इस वक्त देखते हैं कि कश्मीर के हवाले से जो एक उम्मीद, एक होप नजर आ रही है लोगों को, वो उसको कहीं पर भी किसी भी हवाले से खत्म नहीं करना चाहते। वो ये चाहते हैं कि वो कायम और दायम रहे और बल्कि ये मसला हल की तरफ जाए, और जिसके लिए आप ये जानते हैं कि वक्त दरकार है और बहुत ज्यादा स्ट्रगल की जरूरत है, जो कि पाकिस्तान की हुकूमत और कश्मीर की हुकूमत जब मिलकर आपस में बैठेंगे, एक टेबल पे बैठेंगे और प्रॉपर एक हल तजवीज करेंगे और इस केस को प्रॉपर तरीके से आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद को सफीर कश्मीर कहा, और जो कश्मीरियों के लिए सबसे बड़े ऑनर की बात थी कि इमरान खान साहब ने यूएन में खड़े होकर कहा कि मैं कश्मीर का सफीर हूं, तो ये लफ्ज ही हमारे लिए एक बड़े ऑनर की बात थी। तो इस वक्त मसला कश्मीर की वजह से पीडीएम का जितना भी मौजूदा प्रोपेगेंडा है वो फ्लॉप होता जा रहा है, और कश्मीर के अंदर आप अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल से एक ही जमात बड़े मजबूत तरीके से जो आगे की तरफ जा रही है वो इमरान खान साहब की क्यादत में है, और मुझे लगता है कि यही एक बेहतर और अच्छा फैसला भी होगा कश्मीरियों का। बिल्कुल सही है, लेकिन आप तहरीके इंसाफ इस हवाले से तैयार है कि नौजवानों की उम्मीदों का महवर और मरकज अगर बनती जा रही है तहरीके इंसाफ, तो डिलीवर करने के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या सोच रखा है तहरीके इंसाफ ने वहां की, आजाद कश्मीर की तहरीके इंसाफ? देखें, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आजाद कश्मीर के जो सदर हैं जनाब सुल्तान महमूद चौधरी साहब, उन्होंने हालिया एक बयान में बड़े वाशगाफ अल्फाज में ये बात कही कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मैनिफेस्टो में शामिल है कि वो हुकूमत साजी के बाद जो पहला काम करेगी वो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात करवाएगी।
लोकल गवर्नमेंट के इंतहाबात ना होना आज खुद एक अलमिया था कश्मीर के अंदर तालीम तरक्की के हवाले से। पहला हमारा प्लान तो ये है कि लोगों को, नौजवानों को लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के अंदर उनको इन्वॉल्व करें और उनको इस सेटअप के अंदर लाएं, पावर शेयरिंग, और इसी तरह से यही जो लोकल गवर्नमेंट से उठने वाले लोग जो होते हैं यही एक लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान में आप ये देख लें कि जब आप देखेंगे तालीमी इदारों के अंदर भी सियासी जमातें नहीं है, ठीक है स्टूडेंट पॉलिटिक्स, स्टूडेंट पार्टीज नहीं है, तो जब लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात भी नहीं होंगे तो आपके पास जो लीडरशिप की नर्सरी है वो नहीं आएगी। एक तो ये काम हम जो करेंगे, दूसरा ये है कि हम टूरिज्म को एक बेसिक टूल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और आजाद कश्मीर के अंदर टूरिज्म को फ्लोरिश करेंगे और इस सेक्टर में हम लोग नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे। तमाम तरह का टूरिज्म जो है वो एडवेंचर टूरिज्म हो, रिलीजियस टूरिज्म हो या साइट सीइंग जो भी हो, उसको हम एक तो ये करेंगे। तीसरी चीज ये है कि आजाद कश्मीर के अंदर हम लोग चाहेंगे कि आजाद कश्मीर के अंदर, चूंकि और तो कोई इंडस्ट्रीज नहीं है जो बेरोजगारी खत्म कर सकें, तो यहां पर आईटी सेक्टर के अंदर जिस तरह के यहां पे, चूंकि आईटी सेक्टर के अंदर यहां पे इस तरह का बेसिस बनाए जाए यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, कि यहां पे आईटी सेक्टर में लोगों को तैयार किया जाए, तो ये एक ऐसा काम है कि कश्मीर के अंदर भी अगर आईटी सेंटर्स खोले जाएं तो वहां पर भी लोगों को इस सिलसिले में एक रोजगार मिल सकता है, मार्केटिंग में और तरह से चीजें मिल जाएंगी। लेकिन जो बुनियादी फोकस होगा हमारा वो ये होगा कि हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के अंदर जाना, वो तहरीक इंसाफ अपना मेन फोकस रखेगी। बिल्कुल सही है। लेकिन मैडम आप क्या कहेंगी कि किन चीजों को ज्यादा एड्रेस करने की जरूरत है कि आजाद कश्मीर तरक्की भी करे, आजाद कश्मीर में बेरोजगारी का खात्मा भी हो, नौजवानों की भी एडजस्टमेंट होती जाए? सबसे अहम जरूरत है लोकल इंडस्ट्री की वहां पर, और जब तक के लोकल यूनिट्स वहां पर नहीं बनते, आप देखें एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो या तो मुल्क से बाहर चली जाती है या फिर वो पाकिस्तान की तरफ आ जाती है। आप पिंडी इस्लामाबाद में देखें, आप इसी तरह लाहौर चले जाएं या कराची चले जाएं, तो लोगों को जरूरी है कि आप वहीं पर उन्हीं के इलाके में उनको इंडस्ट्रीज बनाकर दें, छोटे छोटे यूनिट्स बनाकर दें, कि जो खासतौर पर आप ज़राअत की बात करें एग्रीकल्चर के हवाले से, वजीर आजम साहब ने अभी इटली के कॉन्फ्रेंस को जो खिताब किया जिसमें एग्रीकल्चर के हवाले से उन्होंने बात की और उन्होंने नए आइडियाज की बात की और ये भी बताया कि किस तरीके से आपने एग्रीकल्चर को आपने प्रमोट करना है कि जिससे फूड के हवाले से जो पूरी दुनिया में कहत और इस तरह के मसाइल की तरफ दुनिया जा रही है, तो हमने यहाँ पर इमरजेंसी बेसिस पे काम करना है। तो कश्मीर की सरजमीन बहुत जरखेज सरजमीन है, उसका इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से किया जाना चाहिए, लोगों को ट्रेनिंग्स देनी चाहिए, लोगों को वहां पे एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है उसको प्रॉपर तरीके से काम करने की जरूरत है कि जिसमें रिसर्च भी है, जिसके अंदर आप लोगों को इस बात की तरफ भी लेके आए। जैसे आज का नौजवान है वो शायद ये समझता है कि ज़राअत का पेशा शायद कोई लो स्टेटस काम है, तो जब आप इस स्टेटस को अपग्रेड करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि ये पढ़े लिखे लोगों का काम है और ज़राअत वक्त के साथ साथ ग्रेड की तरफ जाती है और न्यू इनोवेटिव आइडियाज के साथ यूथ को जब आप उस चीज में इन्वॉल्व करेंगे तो उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है कि आपने ज़राअत के तरफ ज्यादा तवज्जो देना है, एग्रीकल्चर को आपने वहां पे प्रमोट करना है, उसके हवाले से लोकली जब आप वहां पे सीड्स के हवाले से काम करने की जरूरत है कि एक अच्छा और सेहतमंद सीड होगा तो ही वो आजकल का दौर आपको मालूम है कि फास्ट टाइम है, आपको बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता, 6-6 महीने आपको इंतजार नहीं करना पड़ता, आपकी क्रॉप्स जो है वो चंद माह में तैयार हो जाती हैं, 3 महीने के अरसे में तैयार हो जाती हैं। जैसे मैं इसकी आपको मिसाल ये भी दूं कि इमरान खान साहब ने जो कल इनॉग्रेट किया यहाँ इस्लामाबाद में 10 बिलियन सुनामी ट्री का, यहाँ पे इनॉग्रेशन में खान साहब ने ये फरमाया कि जिस तरीके से जापान में जो दरख्त 30 साल की उम्र में तैयार होता है उसको कम उम्र में वो तैयार हो सकता है यहाँ पर, तो उसके लिए प्रॉपर खासतौर पे जो वहां पर भी लगाए गए दरख्त लगाए गए कल जो इमरान खान साहब ने जिसका इनॉग्रेशन किया, तो वो कम वक्त के अंदर वो जल्दी बढ़ जाते हैं, तो वो सीड्स के ऊपर काम करने की जरूरत। अब वो रिसर्च सेंटर जब कश्मीर के अंदर मौजूद होंगे वहां पे एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लोगों को अवेयरनेस मिलेगी, लोगों को कहीं दूर दराज जाने की
की जरूरत नहीं है। इस वक्त वहां पे बच्चे पीएचडी कर रहे हैं, वहां पे एमफिल आपको मिलेंगे, बैचलर्स तो एक आम सी बात है। तो वहां पे पढ़ा लिखा नौजवान है जिसको लोकली सतह पे आपको अकोमोडेट करने की जरूरत है। अब जितना बजट आता है वो फाइलें आपकी पढ़ी लिखी हो जाती हैं, फाइलें आपकी, उनका पेट भर जाता है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर आपको वहां पे कोई उसकी हकीकत नजर नहीं आती। तो जब गवर्नमेंट अच्छी आ जाती है जो करप्शन फ्री का नारा लगा के खासतौर पर तहरीक इंसाफ क्योंकि खड़ी है, तो वो जो करप्शन की नजर होता है पैसा, वो जब आवाम के दरवाजे तक के जाएगा तो आप देखेंगे कि वहां तामीर और तरक्की भी नजर आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको डेवलप नजर आएगा, क्योंकि वो मुश्किल इलाके हैं। जब तक कि वहां पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होगा, बनेगा नहीं, ना वहां टूरिज्म प्रमोट हो सकती है, ना वहां सेहत के मसाइल हल हो सकते हैं, ना वहां क्लाइमेट और एनवायरमेंट पे काम किया जा सकता है। बिल्कुल सही है अतीक साहब, कितना इत्तेफाक करेंगे मैम की बात से कि जरखेज जमीनों से आजाद कश्मीर फायदा नहीं उठा सका, और अगर मकबूजा कश्मीर में जाफरान हो सकता है, वहां फसलें अच्छी हो सकती हैं, सेब अच्छा हो सकता है, तो आजाद कश्मीर में क्यों नहीं? देखिए सरदार साहब, ऐसा है कि माजी में भी ये बात हम सुनते चले आए कि हमारा जो महकमा ज़राअत है इसे जदीद बुनियादों के ऊपर जो इस्तवार किया जाएगा, लेकिन हमने कभी इसको देखा नहीं। ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि जब आप कोहाला से मुजफ्फराबाद और ये सारा कांडी का बेल्ट आप क्रॉस करते हैं तो आप दरिया के दोनों जानेब आप जैतून को, जंगली जैतून को देखते हैं। हम हमेशा सुनते आए कि इसके ऊपर ग्राफ्टिंग की जाएगी और इसके ऊपर जैतून लगाया जाएगा, मगर कभी ये ख्वाब मटेरियलाइज नहीं हुआ। जाफरान की बात आपने की, वो जाफरान जो है वो गलगित, चित्राल, स्वात, और अब ये जो आप यहाँ पे देख लें आप एबटाबाद और आगे तक वो काश्त किया जा रहा है, मगर कश्मीर के इस वसी जो खिता है आजाद कश्मीर का, इसमें हमारी हुकूमत ने जाफरान को उगाने के लिए, जैतून को उगाने के लिए कुछ नहीं किया। फिर जिस पर आप कहते हैं कि जो जड़ी बूटियां हैं आजाद कश्मीर की, इन वादियों के अंदर बहुत ही नायाब किस्म की जड़ी बूटियां जो हैं उनकी नर्सरीज बनाई जा सकती हैं, मगर इसके लिए एक विल चाहिए गवर्नमेंट को। यानी हुकूमतें ये चाहती हैं कि कोई ऐसा मंसूबा हो जिसके ऊपर वो इफ्तिताह और संजय बुनियाद की तख्ती लग सके, उसके पीछे बेशक कुछ ना हो, लेकिन जब तक हुकूमतें संजीदा होकर इस खपत से बाहर निकलकर वो काम ना करें कि बेशक इसका फ्रूट जो है वो 15 साल बाद आए लेकिन मेरे लोगों को फायदा हो सके। अब एक तो ये, दूसरी बात आप ये देखें कश्मीर जो है वो दुनिया के नायाब अच्छे और बेहतरीन फल पैदा कर सकता है, लेकिन देखिए आप देखिए कि ज़राअत के महकमा जहां जहां आप लोग रहते हैं, हम लोग रहते हैं, हम ये हम क्या बताएं किसी को कि हमारे ज़राअत के महकमे ने कितने नए दरख्त लगवाए, फलदार दरख्तों को कितना काश्त करवाया, कितनी चीजें कलेक्ट की, कितनी सब्जियां या कितने बीज जो अनाज थे उसके वो लेके आए। हमेशा ये शिकायत रही है आजाद कश्मीर के अंदर कि महकमा ज़राअत ने जो दरख्त खरीद के लोगों को दिए, लोगों ने लगाए, 5 साल परवरिश की, 3 साल के बाद पता चला कि ये तो बड़ा गैर मियारी फल था। तो जिस तरह पहले कहते आ रहे कि एक तो काम करने की विल चाहिए और फिर पहले इसमें से करप्शन के अंसर को बाहर निकालना है कि आप 10,000 दरख्त खरीद के सुदनुती में बांटते हैं या 1,00,000 दरख्त लाते हैं, अगर वो दरख्त ला के आप प्रॉपर तकसीम कर भी लें, अगर आपने दरख्त गैर मियारी खरीदा है तो फिर इस काश्तकारी का सारा फायदा, हर चीज जाया हो जाएगी ना। इसीलिए हुकूमतों का संजीदा होना बहुत जरूरी है, और जब तक हमारे जो इलेक्टेबल्स हैं या जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं वो एक चीज से बाहर नहीं निकलते, हर शख्स इलेक्शन जीतने के बाद पूरे 5 साल सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश करता है कि दोबारा मैंने सीट कैसे जीतनी है, वो दोबारा सीट जीतने के चक्कर में ना वो कोई मेरिट देखता है, ना कोई अखलाक, ना कोई जाबता देखता है। जब तक सियासतदान इन चीजों से बाहर नहीं निकलता कि वो ये देखे कि मुझे खुदा ने यही 5 साल अपने हल्के को सर्व करने के लिए दिया है, तो वो अगर यही तसव्वुर करके उन 5 सालों में पूरी मेहनत करे तो 5 सालों में भी तकदीर बदल सकती है, जिस तरह के शेरशाह सूरी ने बदल दी थी। शेरशाह सूरी का इकतदार 5 साल का था, मगर पूरे बरसगीर पाक को इनके अंदर जितने आपको बड़े बड़े जो तामीरात नजर आती है, जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आता है, वो शेरशाह सूरी का है। तो कहने के लिए ये है कि अगर हुकूमतें संजीदा हूं तो उनका एक विजन हो नजर आता है, विजन हो जी, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये विजन मौजूद है। इमरान खान साहब के जो कारकुन है हम जैसे, जो 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 उनके नजरिए से मोहब्बत करते हैं, वो पूरी तरह कमिटेड हैं कि इमरान खान के इस नजरिए और फलसफे को हम लोग मेटेरियलाइज करेंगे इंशाल्लाह। 2021 के इंतखाबात में हुकूमत बनाने के बाद हम इंशाल्लाह उल अजीज जो है ना इस पूरे मैनिफेस्टो को आजाद कश्मीर। लेकिन मैम क्या कहेंगे, जिस तरह आप फरमा रही हैं कल इफ्तिताह भी हुआ शजरकारी मुहिम का, आजाद कश्मीर
कितना फायदा उठा सकता है इस बिली एंट्री मनसूबे के हवाले से, बेरोजगारी को अगर देखें या दरख्तों के हवाले से अगर हम आपसे पूछें कि दरख्त जमीन का जेवर भी हैं, आजाद कश्मीर की खूबसूरती का वो दरख्त जरिया भी हैं, कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर सही तरीके से इस मनसूबे पे काम किया जाए। जी, मिनिस्ट्री इस वक्त वहाँ पर अपनी टीम्स बना रही है और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट और तहसील और यूनियन लेवल तक के वो अपनी टीम्स बना रही हैं जिन्होंने आगे इस काम को लेके चलना है। तो मैं ये समझती हूँ कि बड़े प्रॉपर तरीके से कश्मीर के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे काम किया जा रहा है। और क्योंकि मेरी भी मुलाकात रही रुखसाना साहिबा से जो सेक्रेटरी हैं, बड़े प्रॉपर तरीके से कश्मीर के अंदर और बड़ा ही कश्मीर के जो नौजवान हैं बड़े एंथुजियास्टिक वे में जाकर उनके साथ मुलाकातें भी करते हैं और बल्कि वहां पर वो वॉलंटियरली अपने आप को पेश भी कर रहे हैं। तो जब ये जज्बा आ जाता है कि जब आपकी इदारे और आवाम जब आपस में मिलकर किसी चीज को किसी प्रोजेक्ट को लेकर चलती है तो मैं समझती हूँ कि वो कामयाबी की पहली बुनियाद ही यही है। वहां पर सुनामी ट्री के हवाले से देखें, अर्थक्वेक जब आया था कश्मीर के अंदर और आपने एक बड़ी तबाही हम सब ने देखी और उसको हमने सहा था, तो इस वक्त जो कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है, अभी कुछ दिन पहले भी अर्थक्वेक के हमें जो उसके झटके भी वहां पर महसूस किए गए, तो वो जो एक सिलसिला है जो क्लाइमेट चेंज है एनवायरमेंट में जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो गैर जो आप कुदरत के कामों में जब इंसान मदाखलत करता है जिसमें टिम्बर माफिया एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है कि आप देखें कि लकड़ी के ट्रक आपको जब आप जाते हैं कश्मीर के रास्ते पे तो आपको नजर आते हैं कि वो ट्रक के ट्रक लकड़ी काट के लेके जा रहे होते हैं। अब वो जो दरख्त जो काट कर उस पर लादा गया होता है कई टन जो दरख्त वहां से रोजाना आ रहा है उस एक दरख्त को तैयार होने में कई कई साल लग जाते हैं। तो आपने एक दरख्त की जो जिंदगी है उसको आपने एक कटर से आधे घंटे में आप उसको काट के ट्रक पे लादते हैं और चले आते हैं। तो ये वो तमाम माफिया है कि जिसके लिए तहरीक इंसाफ ना सिर्फ मैदान में उतरी है बल्कि इमरान खान साहब ने अक्सर उस माफिया का जिक्र किया है, बल्कि परसों की भी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उस माफिया का जिक्र किया कि जिसके अंदर ये वो माफिया है कि जो हर तरीके से दुनिया को तबाही के दहाने पर लेके जा रहे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये दुनिया भर में वो तमाम लोग के जिनके काम कारोबार कहीं ना कहीं इस तरह से उस सिस्टम में आते हैं उन्होंने कुदरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि सुनामी ट्री जो है लोगों को एक बार फिर से आप मोटिवेट कर रहे हैं कि वो अपनी धरती से भी प्यार करें, बल्कि जब बंदा खुद एक मोहब्बत और लगन के साथ एक दरख्त लगाता है फिर उसमें खासतौर पे ये कि आपने उसको लुक आफ्टर कैसे करना है, ये भी एक प्रोग्राम का हिस्सा है। तो जब उसको जब आप लुक आफ्टर भी करते हैं तो फिर आप उसको खुद काट नहीं पाते ना किसी को काटने देते हैं। तो आप जब सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं किसी तरक्की का हिस्सा बन जाते हैं तो आप उस तरक्की की हिफाजत भी खुद करते हैं। तो आवाम इस वक्त क्योंकि पैरेलल लाइन में चल रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ और उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कश्मीर में आ रहे हैं जो अनअनाउंस्ड भी हैं, इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के लिए अनाउंस किए लेकिन कश्मीर की आवाम को भी उसका फायदा जा रहा है। अभी आप देखें कि 10 मिलियन सुनामी ट्री का जो पाकिस्तान में आगाज हुआ लेकिन वो कश्मीर में भी उसको उसी तरीके, हालांकि वहां हमारी गवर्नमेंट नहीं है, इससे पहले भी जो इसका बजट है वो हुकूमत को दिया गया, नून लीग हुकूमत को वो बजट भी आया और वो कहां चला गया कहां इस्तेमाल हुआ वो आप और मैं बैठ के फिर ढूंढ रहे होते हैं कि आखिर उसका इस्तेमाल कहां पर हुआ है। अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं, मतलब अगर के उन्होंने साबित भी करना होता है कि जी हमने थोड़ा बहुत कहीं काम कर लिया है लेकिन अगेन वो उन हाथों में चला जाता है जिनको काम का मालूम ही नहीं होता। तो कश्मीर के अंदर एक जो अहम जरूरत ये भी है कि राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, इसका होना भी बहुत जरूरी है, तभी कोई जाकर प्रोजेक्ट काम करता है। आपको रोका कैसे जाए? फिर रोकना आवाम ने होता है, हर चीज गवर्नमेंट गवर्नमेंट के खाते में नहीं डाली जा सकती। मैंने जो मेरा अपना तज़िया है या जो मैंने अपने आपको ग्राउंड पे जब मैंने जाकर लोगों को देखा है तो एक हाथ उसमें हम आम आदमी का भी शामिल करते हैं कि वो जब दोनों हाथ मिल जाते हैं इदारा और एक आम आदमी मिल जाता है तो करप्शन मुकम्मल हो जाती है। जब एक आम आदमी उससे हाथ हटा देगा तो इदारा कब तक करप्शन कर लेगा, वो वहीं कहीं घुमाएगा पकड़ा जाता है इन दी एंड
पकड़ा जाता है, लेकिन कश्मीर में भी इस वक्त जरूरत है कि कोई नैब हो, कोई इस तरह का इदारा हो कि जो तमाम हुकूमतें इससे पहले और वो तमाम जो ब्यूरोक्रेसी भी इसमें शामिल है कि जो वो तमाम काम करती रही है, उनका चेक एंड बैलेंस होना वहां पर भी जरूरी है। वरना आप शफाफियत के अमल को कभी भी नीचे नहीं ला सकते कि जब लोगों को इस चीज की तसल्ली हो कि किसी ने कहीं पे जवाब देना ही नहीं है, कोई जवाबदेह ही नहीं है, कोई सवाल करने वाला नहीं है, तो वहां पर आप कभी भी करप्शन को खत्म नहीं कर सकते। लोगों के अंदर डर होने की जरूरत है और मैं समझती हूँ कि इमरान खान साहब क्योंकि करप्शन फ्री पाकिस्तान के साथ साथ जब कश्मीर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर भी इसी नारे के साथ यहाँ पे ग्राउंड पे काम भी करेंगे और इसी से एक आम आदमी को फायदा भी पहुंच सकता है। लेकिन तहरीके इंसाफ के वहाँ के जो लीडरान हैं, वो जो उम्मीदवारान हैं, वो इस हवाले से तैयार हैं कि हम करप्शन फ्री आजाद कश्मीर बनाएंगे? जी इंशाल्लाह, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में आज भी दरवाजे और रास्ते खुले हैं उन लोगों के लिए जो सियासी तौर पर अच्छी शोहरत रखते हैं, ठीक है, जिनके जिम्मे किसी किस्म की करप्शन बेजाब्तगी मौजूद नहीं है और वो अपनी जात में साफ शफाफ लोग हैं, उनके लिए रास्ता खुला है। ठीक है। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो बुनियादी कारकुन है, जिसका मैंने पहले भी आपको हवाला दिया है, जो इमरान खान के नजरियात से इश्क और मोहब्बत करते हैं, उनको लाना चाहते हैं, ठीक है, हमारी ये बुनियादी कमिटमेंट है कि आजाद कश्मीर एक ऐसी लेबोरेटरी है, बल्कि जो इमरान खान का फुल एंड जो मुकम्मल मैनिफेस्टो है उसके लिए सबसे खूबसूरत जगह इम्प्लीमेंट करने की आजाद कश्मीर है कि उसकी आइडियोलॉजीज के मुताबिक टिकट प्लेस हो, उसी की आइडियोलॉजीज के मुताबिक इलेक्शन लड़ा जाए और फिर इमरान खान की आइडियोलॉजी के मुताबिक एक गवर्नमेंट बनाई जाए, फेयर ट्रांसपेरेंट हुकूमत बनाने के लिए, क्योंकि इस हुकूमत ने बहुत काम करना है। पीछे 25 से 30 साल की करप्शन है जो पाइल अप हो गई है, जिस तरह मोहतरमा ने फरमाया कि वहां पर भी एहसाब, हमारे यहाँ भी एक एहसाब ब्यूरो का काम जो है वो 1998 की हद तक है, इस वक्त तक वहां पे इस हद तक तो एक्टिव है कि उनके ओहदों के ऊपर लोग बैठे हैं, अफसरान तनखा ले रहे हैं, इस वक्त तक इस हद तक तो एक्टिव है, मगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत आने के बाद इंशाअल्लाह अजीज उस एहसाब ब्यूरो को फुल थ्रॉटल में फुल गियर के अंदर ऑपरेट किया जाएगा, ताकि वो, बल्कि पिछले दिनों में को बता रहा था कि इस बुरे हालात में भी 33 करोड़ रुपए की रिकवरियां उन्होंने की भी, ठीक है, रिकवरीज उन्होंने की भी, ठीक है। और ये जो हमारे इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सदर हैं, जब ये वजीर आजम थे तो उन्होंने अपने दौर के अंदर इस एहसाब ब्यूरो की बुनियाद रखी थी और उनके अपने हुकूमत के एक एडवाइजर और एक मिनिस्टर दो लोग उस एहसाब ब्यूरो के शिकंजे में आए और उन्होंने कोई मुदाखलत नहीं की और उन्होंने कानून को अपना रास्ता सही है। लेकिन मैम क्या कहेंगे कि कितना चेक एंड बैलेंस की जरूरत है आजाद कश्मीर में? 100% जरूरत है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हर काम को सियासत की नजर नहीं किया जा सकता। इस काम को, इंसाफ के निजाम को सियासत से बिल्कुल अलग है। चाहे अक्रॉस द बोर्ड आपने काम करना होता है, कोई आपका अपना है, गैर है, पराया है, उस तमाम चीज को आपने नहीं देखना होता, आपने बल्कि इंसाफ के तकाजों को देखना होता है। कश्मीर के अंदर कुछ यहाँ पर अगर आप ये बात को मैं कहूँ तो गलत ना होगा कि ये काम बड़ा मुश्किल हुआ हुआ है। उसमें यह है कि कोई चचा है, कोई मामू है, कोई ताया है, इस तरह के मामलात हैं, तो वहां पर एहतसाब बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए बड़े ही अच्छे किरदार के लोगों को आकर उन सीट्स पे बैठने की जरूरत है, जिनके आसाब भी मजबूत हैं, जिनका किरदार भी मजबूत है, जो करप्शन को रोकना भी जानते हैं और लोगों को समझाना भी जानते हैं कि करप्शन एक नासूर है जो किसी भी रियासत को, किसी भी जगह को पोल्यूटेड करके और आने वाली जनरेशन को, नस्लों को तबाह करता है। तो मैं ये समझती हूँ कि कश्मीर में 100% काम की जरूरत है कि इन लाइंस पे काम किया जाए, ताकि जो एक तब्दीली की बात की जाती है, एक करप्शन फ्री इलाके की बात की जाती है, उसकी तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल सही, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा और आजाद कश्मीर में जो इलेक्शन की गहमा गहमी है, हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे कि आजाद कश्मीर के आवाम, आजाद कश्मीर के सियासतदान जरूर सियासी रवादारी को भी मद्देनजर रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ ही राशिद यकूब खान को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने।